नागपंचमी का दिन है, नगर में आज भव्य कांवड़ यात्रा प्रभु उबेश्वर जी जाने वाली है और 19वीं सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा में आप देखिए हजारों श्रद्धालु यहाँ मौजूद है। प्रेमनाथ जी भी आ गए और आपको बता दें कि संतों का यहाँ पे आगमन हुआ है। पीछे भी कई संत हैं, उनसे भी अपने बात की थी, इस बार भी हम बात करने वाले आखिर हमारी सनातन संस्कृति के लिए, हमारी हिंदू जागरण के लिए, हमारी अपनी परंपरा को जीवित करने के लिए हमको क्या कुछ करना चाहिए। आइए संतों से सुझाव जानते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो गंगा मात की जय, भक्त और भगवान की जय। आज आनंद का विषय है, बहुत बहुत आनंद का विषय है कि यहाँ से कांवड़ यात्रा घुंगू कुंड से ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। ये बहुत ही हिंदू संस्कृति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। सबकी जय हो राम। आज बड़ा आनंद का दिवस, श्रावण महीना में पांचम की वर्षों थी ये कांवड़ यात्रा 500 माना से शुरू हुई थी और अभी 25,000 मानस आज गंगूकुंड थी कांवड़ यात्रा निकले। जय भोलानाथ का जयकारा लगा के और 25-30 किलोमीटर एक ठेड उमेश्वर जाएगी और हमारा हिंदू समाज में एक जागरूकता आएगी के हिंदू समाज हमें जाग्यो है और साथ साथ में साधु समाज पर जाग्यो है। तो हिंदू समाज में हमारे कांवड़ यात्रा शुरू करना ये पैसा भी मैं 500 माना से शुरू कर दी, आज 25,000 माना से भाई जोड़ दिया है तो खूब खूब बधाई ना पात्र है। दूसरों हमारे हिंदू समाज को आज एक कहना है कि अबे हिंदू जागो और संतो अबे तुम्हारी सातवा जागया है और बड़ी दुख की बात ये दूसरी बात अपने हांबड़ी बंगाल में हिंदू समाज ना मंदिर पाड़ी दीदा हिंदू को बांग्लादेश में। तो हमने साधु समाज को अखिल भारतीय संत समिति अमे यो घोर विरोध करी छी। अखिल भारतीय संत समिति उदयपुर जिला में मैं अध्यक्ष ने नाते और हमारे साधु समाज मेरे साथ में है, जरूर पड़े तो अपन में उदयपुर में बड़ी जागृति और एक विज्ञापन देगा। और बड़ा आनंद की बात है कि आज कांवड़ यात्रा में सभी हिंदू समाज वर्ष चढ़ के भाग ले है। खूब खूब धन्यवाद हमारा मीडिया प्रभारी है और मीडिया वाला ये समाज में इतनी जागृति लाई है तो मीडिया वाला को धन्यवाद है। और ईश्वर को मैं गंगा मैया को प्रार्थना करी थी कि उदयपुर में अजी वरसाद जरूर है तो ये संतो बधाए आह्वान करेगा और वरसाद जरूर आएगा। बोलो सियावर राम चंद्र भगवान की जय। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज यहाँ संतों का आगमन हुआ है। सभी संत परिवार और सभी जनप्रतिनिधि सारे के सारे धर्म प्रेमी एक मंच पर मौजूद है, एक जाजम पर मौजूद है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें वापस लौट कर आने वाली नहीं है, जिन्होंने लाभ ले लिया वो ले लिया, आइए जो नहीं आए वो अगले साल आए, अगले साल आकर इस प्रकार आनंद लें। ये तस्वीरें बाद में आपको मिलने वाली नहीं है, ऐसी सुंदर झांकियाँ, इतनी सुंदर व्यवस्था, इतने सुंदर लोग जो कि सनातन संस्कृति के लिए आतुर है और अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए सुबह 4 बजे नहीं पूरी रात नहीं सोए हैं। यहाँ की व्यवस्था देखें गंगूकुंड पे तो व्यवस्था ऐसी थी कि कोई भी रात को सोया नहीं है और अपनी सनातन संस्कृति को जगाने के लिए सब यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप देख पा रहे किस प्रकार से यहाँ भोजन प्रसाद और नगर विधायक पहुँच चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं, शहर जिलाध्यक्ष भी हैं, सारे जो हैं जनप्रतिनिधि भी यहां पर सभी भक्तों को
स्नेह देने के लिए पहुंचे हैं और पति जी भी पहुंचे हैं इस धर्म की। देखिए